वालेकुम अस्सलाम। बस आपको डिस्टर्ब करते हुए थोड़ा डर लगता है, सुना आपको गुस्सा बहुत आता है। नहीं, मुझे गुस्सा जो है वो बिल्कुल नहीं आता। हाँ, गुस्से वाली बात पे जरूर गुस्सा आता है, जो है वो डिस्टर्ब होने पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। ऐसा बिल्कुल परसेप्शन गलत है मेरे बारे में। आज बड़े आसान आसान से हम सवाल करेंगे। आप मुश्किल करें, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, फिक्र नहीं करें। मुझसे मुश्किल ही सवाल होते हैं भाई। दबे अच्छा, बचपन से आपको सियासत में आने का शौक था? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात जो आपके जहन में हो बचपन में, सियासत के हवाले से? नहीं नहीं, सियासत में आने का बिल्कुल शौक नहीं था बचपन में, सोचा भी नहीं था बिल्कुल ऐसी बात। लेकिन हाँ, चीज़ों को देखकर माशरे में बचपन से ही मैं एक सीरियस कस्म का जो है वो आदमी रहा हूँ। और जब चीज़ों को देखता था एक छोटी सी एज में भी, तो एक फील होती थी कि चीज़ों को ठीक होना चाहिए। लेकिन सियासत में आने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। अब जब आप लीडर बन गए हैं, तो आपने और दीगर लीडरों में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि शायद हम सारा कुछ ये जो कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी एमपी एमएनए वज़ीर बनने के लिए, और थे भी हम लोग, बन भी चुके। लेकिन ये सब चीज़ों को कुर्बान करके मैं इस कराची में, हमने आवाज़ उठाई उस वक्त जब जो है वो सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी यहाँ पर इस जगह। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जितनी भी सियासत होती है वो अपनी कुर्सी के लिए होती है। हमने कुर्सी छोड़कर ये सियासत शुरू की है, हमारे पास कुर्सी ऑलरेडी मौजूद थी, तो हमने कुर्सी छोड़कर ये सियासत शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम में और तमाम लोगों में बहुत फ़र्क है। और आज भी मैं चाहूँ तो मैं एमपी बन सकता हूँ, कहीं जाकर मिनिस्टर बन सकता हूँ। आपकी कामयाबियाँ सब जानते हैं, कराची के हवाले से जो आपने काम किए, पीएसपी की कामयाबी क्या देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? वेल, पीएसपी कामयाब है। पीएसपी जो है वो जिस दिन आई थी, पहले दिन हमने जब 3 मार्च 2016 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि हम आकर इलेक्शन जीत जाएंगे। हमने उस वक्त हम इस शहर में जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी। यहाँ पर शहर लोग लापता होते थे, यहाँ पर जो है वो रोज़ाना 20-22 लोग मरते थे, यहाँ पर इलाके बटे हुए थे, यहाँ पर ना मारने वाले को पता था क्यों मार रहा है, ना मरने वाले को पता था क्यों मार रहा है। आप क्राइम रेट उठाकर देख लें। हमने कराची के नौजवानों को नया रास्ता दिया है, हमने इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को, रेवेन्यू इंजन को बचाया है, आग और खून से इसको बाहर निकाला है। यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, किरदार है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो पहले से मौजूद थी यहाँ पर। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इसका हमने प्रोवाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज कराची पुरसकून है, आज कराची में शोदा कब्रिस्तान में लाशें नहीं जा रही, आज माओं के बच्चे लापता नहीं हो रहे, आज जो 500 लोग लापता थे उनमें से 300 लोग बाजियाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग आ रहे हैं। आज जेलें नहीं भरी जा रही, बल्कि इंशाल्लाह ताला जो लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इंतज़ामिया से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, हुकूमत से, कि जिस तरह से बलूचिस्तान के नौजवानों को बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने माफ़ किया, आप पहाड़ों से उतार कर उनसे हथियार लेकर उनको फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं, 5-5 लाख रुपए का चेक देते हैं, इस तरह से कराची के नौजवानों को भी एक दफ़ा माफ़ करें, मौका देना चाहिए। देखिए 3 सालों में हमने जिन लोगों को समझाया, जिन लोगों को के साथ हमने बात की, उन्होंने पलट कर एक पत्थर भी नहीं मारा है। और उनको पहले बहका दिया गया था, उनको किसी गलत रास्ते पर डाल दिया गया था, आज अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई। तो एज फार एज पीएसपी की कामयाबी इज़ कंसर्न, हम कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, और हमने आज तक जो बात की थी वो अल्लाह ने हमारी सारी बात सही साबित कर दी। अब अगर लोगों को अपने मसाइल हल कराने हैं, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, लोगों को अगर वाकई अपने मसाइल हल कराने, तो हमारे अलावा लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, उन्होंने पीटीआई को आजमा लिया, उन्होंने 30-32 सालों में एमक्यूएम को आजमा लिया, और जिससे इलाज कराया है उन्होंने अपने शहर का और इस सिंध का, मर्ज़ में और इजाफा होता चला गया है। हमारे पास जब ये शहर था तो ये शहर तंदुरुस्त था, हंसता खेलता था, ये बीमार नहीं था। आज ये शहर बीमार हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अच्छा इलाज चाहिए, अपने मर्ज़ में इजाफा चाहिए, तो उसको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, और हमसे अच्छा डॉक्टर है नहीं कोई इस वक्त। एक गैर सियासी सा सवाल, क्या मुस्तफ़ा कमाल गुनगुनाते भी हैं? नहीं, गुनगुनाते हैं तो वो लोगों के लिए नहीं गुनगुनाते, कभी जो है वो गुनगुना लेते हैं बिल्कुल, और वो
अपने लिए गुनगुनाते हैं। तो कुछ गुनगुना दें अगर? अपने लिए गुनगुनाते, मैंने आपको कहा कि लोगों के लिए नहीं गुनगुनाते, अपने लिए गुनगुनाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।